हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्नोले में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th का ये 10th चैप्टर है। सो यहाँ से हम थर्ड बुक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सो उसका ये फर्स्ट पार्ट है। सो चैप्टर का नाम है यहाँ पे कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। क्लियर है? और यहाँ पे जितने भी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं वो सभी मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और यहाँ पे इंडियन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। क्लियर है गाइस? सो आगे मूव करते हैं यहाँ पे। सो इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, ये सभी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में जनरल स्टडीज़ ये भी चल रही हैं। क्लियर है? सो चलिए, अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर गिवन है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा यहाँ पे 10th चैप्टर है, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सो इसका मतलब है उपनिवेश और देहात। अब यहाँ पे जो कॉलोनियलिज्म है इसका मतलब क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। सो जब भी यहाँ पे कोई जो पावरफुल कंट्री होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जब किसी भी जो कमज़ोर यहाँ पे कंट्री होती है उसके ऊपर यहाँ पे हमला करके उसको जीत लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे वो रूल करने लग जाता है। सो इसी को क्या बोलेंगे हम, कॉलोनियल रूल बोलेंगे। क्लियर है? सो इस चैप्टर में पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पे करेंगे। सो इस चैप्टर में आपको यहाँ पे जो कॉलोनियल रूल है इसका क्या मतलब है, ठीक है, जो यहाँ पे जो कंट्री साइड में रहते थे, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, यानी कि जो रूरल रीजन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पेंडू इलाके होते हैं उसको बोलते हैं कंट्री साइड। जो यहाँ पे रहते हैं लोग उनके लिए क्या मतलब है, इसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। और जो जमींदार्स हैं बंगाल के, ठीक है, सो उनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने अपने यहाँ पे राज है वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, सबसे पहले आके बंगाल पे उन्होंने हमला करके वो जीता था, ठीक है। सो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखे जाएगा। और यहाँ पे जो रिवेन्यू पॉलिसी उनके द्वारा यहाँ पे लागू की गई थी, जो भी कानून व्यवस्था उनके द्वारा यहाँ पे चलाई गई थी उसके बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। जो पेजेंट थे, जो किसान थे, वो कहाँ पे जाते थे जब उनको पैसों की ज़रूरत होती थी। सो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में यहाँ पे डिटेल में करेंगे कि क्या था। क्लियर है? सो चलिए आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आपके बुक का वो क्या है, बंगाल एंड द जमींदार। सो बंगाल के बारे में और जो जमींदार थे इनके बारे में देखेंगे। सो जो कॉलोनियल रूल था सबसे पहले वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, वो बंगाल, सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे हमला करके ये जीता था, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी। सो यहाँ पे इन्होंने जो रूरल सोसाइटी थी उसकी फिर से इन्होंने स्थापना करी थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था नया रिजाइम, यानी कि जो नया प्रशासन इन्होंने यहाँ पे स्थापना करी थी, कि जो भी लैंड राइट्स थे, अधिकार थे ज़मीन के, और यहाँ पे जो रिवेन्यू सिस्टम था। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सो उनके द्वारा यहाँ पे जो बुक्स थी, पहले इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको जाना था, जैसे उनके द्वारा अकबरनामा हो गया, बादशाहनामा हो गया, इनको यहाँ पे पढ़ा गया था कि क्या था इंडिया के बारे में। सो पहले उन्होंने जाना था, ठीक है, जो भी जैसे मुगलों के द्वारा यहाँ पे कर व्यवस्था जो उनसे ली जाती थी उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया, फिर जाके इन्होंने जो भी अधिकार वगैरह, जो भी यहाँ पे प्रशासन इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया ज़मीन के अंडर यहाँ, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे अधिकार करने हैं, कैसे वहाँ से जो टैक्स वगैरह लोगों से वो कलेक्ट करना है, वो सभी इन्होंने अपना नया यहाँ पे प्रशासन कायम करा। क्लियर है? सो यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एन ऑक्शन इन द बर्दवान। सो बर्दवान की यहाँ पे कहानी देखते हैं कि जो वहाँ पे नीलामी हुई थी, ठीक है, क्यों हुई थी, क्या कारण था नीलामी का, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या था। सो 1797 यानी कि 1797 की बात है, ठीक है। सो यहाँ पे जो संपत्ति थी राजा की, कहाँ का राजा था, ये बर्दवान का राजा था, ठीक है, जो भी इसकी संपत्ति थी उसको यहाँ पे बेचा गया था, ठीक है, जो भी इसके महल वगैरह थे बहुत सारे, ठीक है, जो भी संपत्ति थी उसको यहाँ पे बेचा गया था, ठीक है, सेल किया गया था यहाँ पे।
यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट है वो 1793 में यहाँ पे लागू कर दी गई थी, ठीक है। ये क्या था इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे क्या करा कि जो रिवेन्यू था यानी कि जो भी टैक्स वगैरह था उसको यहाँ पे फिक्स कर रखा था, और यहाँ पे जितने भी जमींदार थे उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो यहाँ पे करेंगे। मतलब कि जो जमींदार होते थे वो यहाँ पे जितने भी उनके अंडर गांव आते थे उन सभी से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, और यहाँ पे जो फिक्स टैक्स यानी टैक्स की जो अमाउंट थी वो इनके द्वारा यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको यहाँ पे देनी होती थी। जब यहाँ पे जो जमींदार थे वो टैक्स यहाँ पे नहीं कर पाते थे, मतलब कि वो फेल हो जाते थे यहाँ पे टैक्स देने को, तब क्या किया जाता था, इन्होंने तो अपनी जो रिवेन्यू थी वो तो इन्होंने अपना लेना ही लेना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, जमींदार की यहाँ पे जो जमींदारी थी जो भी संपत्ति वगैरह थी उनको नीलाम कर देते थे वो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या रीज़न थे। और जो यहाँ पे राजा था इसके ऊपर यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट, ठीक है, जो इसने पे करनी थी वो इसके ऊपर बढ़ चुकी थी, ठीक है, जो इसने अधिकारियों को देनी थी। ऐसे में जो इसकी संपत्ति थी उसको नीलाम यहाँ पे किया गया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे परचेसर यानी कि जिन्होंने परचेस करा, खरीदार जो लोग होते हैं वो आए इस नीलामी में, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी उसको बेचा गया। जो लोग थे जो जो बोली लगाने वाले लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बोली यहाँ पे लगाई, और यहाँ पे ज़्यादातर जो खरीदने वाले लोग थे वो कौन थे, यहाँ पे जो राजा था उसके ही नौकर होते थे, ठीक है। ज़्यादातर क्यों होते थे ये आपको आगे जाके डिटेल में समझ आएगा। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ये जो राजा के नौकर होते थे इनके द्वारा ये खरीदी जाती थी, और बाद में ये राजा को वापस कर देते थे, ठीक है, जमीन उनसे खरीद के उन्हीं को दे देते थे। ऐसे में जो नीलामी होती थी उसमें 95% जो सेल के केसेस ऐसे देखे गए जो फर्जी थे, ठीक है ना। यानी कि अगर 100 प्रॉपर्टी की यहाँ पे नीलामी हो रही है अलग अलग, उसमें से जो 95 केसेस थे वो यहाँ पे फर्जी पाए जाते थे। क्लियर है, आगे यहाँ पे देखते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड रिवेन्यू। जो ये यहाँ पे जो टैक्स होता था उसको वो पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसकी यहाँ पे क्या क्या समस्याएं थी, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो 75% ऐसे केसेस है जो जमींदारी थी वो किसी दूसरे को यहाँ पे दे दी गई थी, ठीक है, जब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जो रिवेन्यू सिस्टम है वो लागू किया गया उसके बाद, ठीक है, 1793, ठीक है, 1793 में जब इसको लागू किया गया था उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ठीक है, जो किसान वगैरह थे वो टैक्स वगैरह नहीं दे रहे थे। ऐसे में जो ईस्ट इंडिया के अधिकारी होते थे वो तो इनसे तो डेफिनेटली लेते थे, नहीं तो जो इनकी जमींदारी थी मतलब जो इनकी संपत्ति थी वो आगे बेच दिया करते थे और उसकी नीलामी कर देते थे। ऐसे 75% केसेस देखने को मिले हैं। जो ब्रिटिश के यहाँ पे अधिकारी थे उनको ये आशा थी कि बंगाल की जीत के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो 1770 का दशक था, ठीक है, डिकेड होता है जो 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जो 1770 का दशक था उसमें क्या हुआ, जो बंगाल की जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत बड़ा संकट आया, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे जो अकाल की स्थिति हो चुकी थी जिसके कारण जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसेस थी वो यहाँ पे बिल्कुल ही डाउन चली गई थी, ठीक है, जो पैदावार थी खेती की वो बिल्कुल ही यहाँ पे कम हो चुकी थी। और यहाँ पे जो अधिकारी थे उनको यहाँ पे लगा कि अगर तो एग्रीकल्चर ट्रेड, ठीक है, जो व्यापार हो गया, रिवेन्यू रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, जहाँ पे वे टैक्सेस वगैरह लगाया करते थे, अगर तो इसको विकसित करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इनको निवेश करना होगा, तभी जाके यहाँ से कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। और ठीक है, जैसे कि ये टैक्स वगैरह यहाँ पे इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो विलेजेस के थे वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते थे। अगर एग्रीकल्चर यहाँ पे खेती इनकी अच्छी नहीं होगी फसलें, तो ये टैक्स कहाँ से दे पाएंगे। अगर टैक्स नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधिकारी थे
फिर उनका यहाँ पे जो खर्चा पानी है वो कैसे चलाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो था वो टैक्स से ही यहाँ पे आता था जो भी लोग देते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आज की बात करें, अगर यहाँ पे जो सेंटर सरकार है, ठीक है, इंडिया में, वो यहाँ पे जितने भी वेलफेयर स्कीम्स चला रही है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह एजुकेशन सिस्टम में लगा रही है या हेल्थ सिस्टम में लगा रही है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है जब हम टैक्स पे करते हैं। वो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वहाँ से आ रहा है। ठीक है, जो टैक्स पे किया जा रहा है उसी को वो आगे कंस्ट्रक्शंस वगैरह में वो लगाते हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम होती है। सेम यहाँ पे था, ठीक है, जो भी यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था वही वो अपने पास ही यहाँ पे रखते थे जो ईस्ट इंडिया के अधिकारी थे। सो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये इन्होंने क्या करा कि जो रिवेन्यू जो रेट्स थे वो इन्होंने यानी कि परमानेंटली फिक्स कर दिए कि हाँ इतना पैसा तो वो डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे, वो इन्होंने फिक्स कर दिया। सो इसके बाद यहाँ पे जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे वाद विवाद हुआ, डिबेट हुई उनके बीच में कि जो एग्रीकल्चर है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा कि उन्होंने फिक्स्ड जो रिवेन्यू था स्टेट का, ठीक है, वो कर दिया कि हाँ कि यहाँ पे जो इनसे जो फिक्स्ड रिवेन्यू होगा टैक्स वो यहाँ पे लिया जाएगा। सो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो जमींदार थे, तालुकदार थे, उनको यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के लिए उनको चुना कि हाँ वो तो यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, सो इनका काम है यहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का। सो जो भी वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे इनमें से, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी बताया था, कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे क्योंकि जो एज अ इनकम के तौर में, इनकम के तौर पे, ठीक है, और यहाँ पे जो ज़्यादा हिस्सा होता था वो किसको दे देते दे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको दे देते दे थे। सो ऐसे में उनको जो जमींदार थे उनको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। सो क्लासीफाई कैसे किया गया, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये बहुत बड़ा एक गांव है, ठीक है, सो इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इसको एरियाज में डिवाइड कर लिए कि जो जमींदार है वो ये यहाँ पे जितने भी गांव हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 100 गांव हैं, वो एक जो कोई भी जमींदार है, ठीक है, एक्स जमींदार है उसके अंडर आ रहे हैं। जितने भी ये 100 गांव हैं वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके ये जो ऑफिशियल ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे देगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि 150 गांव आ रहे हैं विलेजेस, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके जो वाई यहाँ पे जमींदार है वो टैक्स कलेक्ट करके आगे इनको देगा। ठीक है, सो इनका ये ऐसे काम को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था जो जमींदार थे। ठीक है, और यहाँ पे इनको बोला गया था कि हाँ जो भी टैक्स है वो कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जो जमींदार थे वो लैंड ओनर्स नहीं रहे थे, ठीक है, जैसे वो पहले लैंड ओनर्स थे अब वो नहीं रहे थे, अब वो क्या बन गए थे, वो रिवेन्यू कलेक्टर बन गए थे, मतलब कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाले होते हैं अब वो बन गए थे, मतलब कि जो उनका स्टेटस है वो थोड़ा कम हो चुका था। अब इनको तो बात माननी पड़ेगी, यहाँ पे जो जमींदार थे उनके अंडर सेवरल विलेजेस, ठीक है, कुछ गांव आते थे, जैसे किसी के अंडर 400 गांव आ गए, किसी के अंडर 200 गांव आ गए, किसी के 300 गांव आ गए, उनसे वो जो भी रिवेन्यू होता था वो कलेक्ट करके आगे उनको दिया करते थे। सो कंपनी ने यहाँ पे जो रिवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, वो यहाँ पे फिक्स कर रखा था कि हाँ जो जमींदार हैं इसके अंडर 400 गांव हैं, यहाँ से लेट्स सपोज कि मान लेते कि 50 लाख रुपए जो वो कलेक्ट करके इसने देना ही देना है। अब यहाँ पे जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो 400 जो गांव हैं वहाँ से टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा, ठीक है, सो वो जैसे कि जो बड़े यहाँ पे किसान होते थे उनसे ज़्यादा लेगा, जो छोटे किसान हैं उनसे कम लेगा, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे होती थी। ठीक है, सो इन्होंने तो जस्ट यहाँ पे जो टैक्स था वो सिस्टम इन्होंने कर दिया कि फिक्स है, हम तो इतना पैसा यहाँ से लेंगे ही लेंगे। ठीक है, सो ये सिस्टम था वहाँ पे उस टाइम पे। और जो जमींदार थे वो अलग अलग विलेजेस से यहाँ पे कलेक्ट करते थे और यहाँ पे जो भी रिवेन्यू वो टिका होता था आगे वो किसको पे कर देते थे, कंपनी को दे देते थे। सो यहाँ पे उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि जो यहाँ पे टैक्स होगा वो इनको रेगुलरली पे करना है। ठीक है, अगर तो वो रेगुलरली यहाँ पे नहीं कर पाते थे, जो भी उनकी संपत्ति होती थी किसकी, जो जमींदार लोग थे उनकी संपत्ति को वो नीलाम कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं उनको तो सिर्फ यहाँ पे पैसों से मतलब है कि जैसे मर्जी ये यहाँ से कलेक्ट करे, इनको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जस्ट यहाँ पे इनको तो पैसा चाहिए। सो जमींदार अगर पैसा यहाँ से ना कलेक्ट कर सके तो उसकी जो जमींदारी होती थी, जो उसकी संपत्ति होती थी जमीन वगैरह, उसको वो नीलाम कर देते थे। सो ऐसा यहाँ पे रूल इनके द्वारा चलाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा।
क्लियर है। सो चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है कि व्हाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। अब यहाँ पे जो जमींदार थे वो जो पेमेंट थी वो उनको पे नहीं कर पाते थे, ठीक है, वो हमेशा यहाँ पे चूक जाते थे पेमेंट को पे करने में, जो भी रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। ऐसा क्यों होता था इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो जो जमींदार थे वो रेगुलरली यहाँ पे फेल हो जाते थे, असफल हो जाते थे जो भी रिवेन्यू डिमांड थी उसको पे करने में, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे जो अनपेड बैलेंस था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था। सो एक्चुअल में क्या था, जो इनिशियल डिमांड्स थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाली जो डिमांड्स होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की, उनको यहाँ पे पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सो जैसा कि ये 1790 के दशक में, ठीक है, इसको लागू किया गया था, उस टाइम में क्या था, जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन जो रिवेन्यू सिस्टम था वो तो इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर रखा था। सो अगर तो ये इन्होंने फिक्स कर रखा था, सो रिवेन्यू यहाँ पे प्रोडक्शन जो फसलों की यहाँ पे पैदावार है वो बहुत कम थी, ऐसे में जो किसान थे वो यहाँ पे जो टैक्स है वो तो यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। सो ये प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण जो जमींदार थे उनका जो अनपेड बैलेंस था, जो उनका कर्जा था वो इंक्रीज होता जा रहा था। सभी बात आगे जमींदार के ऊपर आ चुकी थी, और यहाँ पे जो किसानों के द्वारा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था, ठीक है, ये जो रिवेन्यू था टैक्स था ये जमींदार को देना, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वो कैसे दे सकते हैं अगर इनकी फसल ही अच्छी नहीं हो रही तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवेन्यू जो टैक्स था वो तो इन्होंने फिक्स कर रखा था। बेशक यहाँ पे पैदावार, ठीक है, फसलों की पैदावार हो या ना हो, इनको तो टैक्स यहाँ पे देना ही होता था, मतलब कि इतनी बुरी कंडीशन इन लोगों की यहाँ पे की हुई थी। सो अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, ठीक है, सो क्या था ये सनसेट लॉ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या था कि अगर तो सूरज छिपने से पहले जो भी यहाँ पे एक फिक्स डेट दी जाती थी, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हर महीने की 10 तारीख को, ठीक है, सूरज डूबने से पहले इनको जो पेमेंट थी वो यहाँ पे पहुँचनी चाहिए थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के पास, अगर तो वो नहीं पहुँचती थी, वो क्या करते थे, जो जमींदार थे उनकी जो संपत्ति थी उसको वो नीलाम कर देते थे, ठीक है। सो ये था सनसेट लॉ, ठीक है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, सो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों ने रखना है। सो स्टार्टिंग में जो जमींदार की पावर्स थी वो लिमिटेड थी, ठीक है, यानी कि जो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, जो भी रेंट वगैरह था उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इनको लिमिटेड यहाँ पे पावर दी गई थी कि हाँ भी आप कोई भी यहाँ पे एक्शन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा असफल हो रहे थे, फेल हो रहे थे टैक्स को कलेक्ट करने से, सो ऐसे में यहाँ पे क्या हुआ, जो जमींदार की ट्रूप्स सेना थी उसको यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, उनको हटा दिया गया, और यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी वो भी जो सीमा शुल्क होता है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और यहाँ पे जो कचहरी होती थी, ठीक है, जो कोर्ट होता था जो भी जमींदार के अंडर आता था, ठीक है, उसको भी इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने यहाँ पे एक कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया, अब सारे काम ये देखेगा, अब ये जमींदार के अंडर काम नहीं आएंगे, मतलब कि जो इसकी पावर थी उसको कम करते जा रहे थे, और जो जमींदार थी उसकी जो पावर्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब कि जो उसके पास अधिकार थे जैसे लोकल जस्टिस, जो भी न्याय वगैरह दिवाना है, या लोकल पुलिस के, ठीक है, जो भी इसके पास अधिकार थे वो भी इनसे छीन लिए गए थे, ठीक है, इन द सेंस यहाँ पे जो जमींदार थे उसके जो अधिकार थे वो इन्होंने बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म कर दिए थे, या कह सकते हैं कि डिक्रीज कर दिए गए थे। क्लियर है, जो यहाँ पे ऑफिसर होते थे जमींदार, ठीक है, या जमींदार के ऑफिसर कह सकते हैं, या एजेंट बोल सकते हैं, या उनको एक दूसरा वर्ड था अमला, इनको अमला भी यहाँ पे बोला जाता है। सो ये क्या करते थे, ये गांव में जाते थे और उनसे यहाँ पे जो किसान लोग होते थे उनसे यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ये कुछ टाइम ऐसा भी आता था जैसे कि जो किसान थे उनकी जो फसल है, ठीक है, वो अच्छी नहीं, बिल्कुल ही यहाँ पे खराब हुई है, या उनका जो उनको प्राइस मिला है वो बहुत ही कम मिला है, जिसके कारण वो यहाँ पे टैक्स है वो नहीं दे पाते थे जो किसान लोग होते थे, ठीक है, रेवर्ट्स होता है जो किसान होते थे। सो ऐसे में जो कुछ रिच रेवर्ट्स होते थे, ठीक है, जो अमीर जो किसान होते थे, और जो विलेज के यहाँ पे मुखिया, ठीक है, जिनको जोतदर्स और मंडल्स बोला जाता है, वो यहाँ पे बहुत खुश होते थे जब यहाँ पे जमींदार को वो
ट्रबल्स में डाल के, ठीक है, दुख में डाल के वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, और वो जानबूझ के जो उनका पेमेंट होता था वो उसमें देरी करते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि जो जमींदार है उसको यहाँ पे ट्रबल में डाला जाए, और यहाँ पे जो पेमेंट है उसको जानबूझ के वो लेट करते थे, मतलब कि टाइम पे नहीं दिया करते थे, क्योंकि वो टाइम पे नहीं दिएंगे तो उनकी जो संपत्ति वो जब्त नीलाम कर देते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, जो जमींदार थे, ठीक है, फिर वो उनके ऊपर मुकदमा भी नहीं चला सकते थे, ठीक है। अगर तो वो चलाते थे डिफॉल्टर्स के ऊपर मुकदमा, जो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस था ये बहुत लंबा था, ठीक है, जिसके कारण वो बच जाते थे, ठीक है। सो ऐसे में इनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, राइस ऑफ द जोधर्स। सो जोधर्स क्या थे, इनके बारे में यहाँ पे देखते हम। सो जो ग्रुप था अमीर किसानों का, ठीक है, उसको यहाँ पे बोला जाता है जोधर्स, ठीक है। सो जोधर्स क्या होते हैं, जो अमीर किसान थे उनका जो एक समूह था उसको यहाँ पे बोला जाता है जोधर्स, क्लियर है। जो जमींदार थे वो तो यहाँ पे बहुत ही कमजोर होते जा रहे थे, मतलब कि जो उनकी पावर थी वो डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस संकट जो उनको फेस किया जा रहा था। दूसरी ओर जो जोधर्स थे इनकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती जा रही थी, क्लियर है। जो जमींदार थे इनकी पावर कमजोर हो रही थी, वीक हो रही थी, जो जोधर्स थे इनकी पावर थी वो स्ट्रांग हो रही थी। सो यहाँ पे जो जोधर्स थे उनके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया होता था, उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी, इवन कि उनके पास तो हजारों एकड़ जो जमीन होती थी कब इससे भी ज़्यादा होती थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। सो वो क्या करते थे, यहाँ पे उनका जो लोकल व्यापार होता था उसके ऊपर यहाँ पे नियंत्रण होता था जो जोधर्स होते थे, और ये क्या होते थे, यहाँ पे शाहूकार होते थे, बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, क्योंकि ऑब्वियस इनके पास इतनी इतनी ज़मीनें होती थी, ठीक है। सो ये अमीर होते थे। ये क्या करते थे, यहाँ पे जो पुअर कल्टीवेटर्स थे, जो गरीब यहाँ पे किसान थे, उनके ऊपर ये अपनी हुकूमत करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो जोधर्स होते थे इनका जो बड़ा हिस्सा जो ज़मीन का होता था ये खुद यहाँ पे थोड़ी खेती करते थे, जो इन की जमीन को यहाँ पे जो जोता जाता था वो किसके द्वारा जोता जाता था, जो शेयर क्रॉपर्स होते थे, मतलब कि जो मजदूर, मतलब कि इनसे जमीन ले ली और यहाँ पे वो शेयरिंग करते थे, मतलब कि काम वो खुद करेंगे और उसमें से जो हिस्सा था वो जोधर्स को देंगे, और जो जोधर्स होंगे उनको यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो शेयर क्रॉपर्स, जो मजदूर वगैरह यहाँ पे, ठीक है, काम करते थे, उनके द्वारा यहाँ पे जो हल होते थे वो खुद यहाँ पे लाते थे, खुद वो लेबर यहाँ पे काम करते थे खेतों में, और यहाँ पे जब फसल पक जाती थी उसका जो आधा हिस्सा था वो इनको जो जोधर से उनको यहाँ पे देना होता था, ठीक है। सो ऐसे में ये काम किया जाता था जोधर के द्वारा, वो 50-50 करते थे। यहाँ पे जो जमींदार थे ये कहाँ पे रहते थे, ये शहरों में रहते थे, ठीक है, अर्बन एरियाज में। जो जोधर्स होते थे ये गांव में रहते थे, ठीक है, इसलिए इनका ज़्यादा कंट्रोल होता था, जो लोकल किसान यहाँ पे होते थे, और ठीक है ज़्यादा ये अमीर थे। और यहाँ पे, ठीक है, सो ये हमने कर लिया, सो यहाँ पे इनका ज़्यादा नियंत्रण रहता था, जो यहाँ पे लोकल, यहाँ पे जो पुअर जो किसान है या विलेजर्स हैं गाँव वाले, जो जोधर्स होते थे ये हमेशा विरोध करते थे जमींदार का, जो भी इनके द्वारा यहाँ पे टैक्स को इनक्रीज किया जाता था। ऑब्वियस है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो जमींदार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा हुआ था कि इनसे तो यहाँ पे फिक्स टैक्स इन्होंने कह दिया था कि हाँ ये जो जमींदार है इसके अंडर जैसे 400 गांव आते हैं और इससे यहाँ पे 50 लाख रुपए लेने ही लेने हैं। सो आगे जमींदार की यहाँ पे होता था कि वो किस गांव से कितना पैसा लेता है। सो ऐसे में जो जमींदार होता था उसके अंडर होता था ये सारा काम, वो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे करता रहता था टैक्सेस में। सो ऐसे में जो जोधर होते थे वो इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे कि जो यहाँ पे जमींदार हैं वो टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं यहाँ पे। इसी बात के कारण यहाँ पे जो जोधर होते थे वो जानबूझ के जो पेमेंट है उसको यहाँ पे डिले करते थे, यानी कि देरी में वो देते थे, ठीक है, कभी कभी तो वो देते ही नहीं थे। सो ऐसे में जोधर्स के द्वारा ये यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा था। सो अगर वो इनको पैसा टाइम पे नहीं देंगे, सो आगे जो जमींदार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यहाँ पे पैसा टाइम पे नहीं देगा तो जो इसकी संपत्ति होती थी उसको यहाँ पे नीलाम कर दिया जाता था, जब वो टाइम पे यहाँ पे पेमेंट उनको नहीं देगा। सो ऐसे में जब इनकी संपत्ति को नीलाम किया जाता था, जो जोधर्स होते थे वो क्या करते थे, वो इस
नीलामी में जाके इनकी जो जमीन होती थी वो भी वो खरीद लेते थे। ठीक है, ऐसे काम उस टाइम में बहुत ज्यादा होते थे। तो ऐसे में जो जोधर थे ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इनकी पावर है जो इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे जो जमींदार थे इनकी पावर यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, वो यही कारण था कि वो उनकी जो जमीन तो वो चली जाती थी, जो जोधर से वो उनका रुतबा वो और भी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज होता जाता था। ठीक है, सो यहाँ पे जो कुछ अमीर किसान थे और यहाँ पे जो विलेज के मुखिया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होते गए और उनको यहाँ पे अलग अलग नामों से जानने लगा, जैसे हवलदार हो गया, गांटीदर्स हो गया या मंडल्स हो गया। सो ऐसे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता था जो भी ये अमीर वर्ग थे या जो मुखिया थे गाँव के। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, द जमींदार्स रिसिस्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जमींदार थे वो क्या करते थे यहाँ पे, ठीक है, उनके द्वारा क्या क्या एक्शन लिए जाते थे। अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो जमींदार थे उनकी जो संपत्ति है वो तो सारी नीलाम हो रही है, तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही गरीब होते जा रहे हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, कि जो उन्होंने यहाँ पे इस बात का यहाँ पे तोड़ निकाल लिया था कि कैसे वो अपनी जमीनों को यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो जो अथॉरिटी थी, जो सत्ता थी जमींदार की, ठीक है, जो रूरल एरियाज में, वो यहाँ पे बिल्कुल समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे एक नया रास्ता निकाल लिया था। ठीक है, इन्होंने एक नया रास्ता यहाँ पे निकाल लिया था कि वो कैसे यहाँ पे नीलामी से बच सकें, और इनके द्वारा बहुत नई नई जो प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजीज थी, वो यहाँ पे अपनाई गई। क्लियर है? सो यहाँ पे जो फिक्टिशियस सेल थी वो भी एक स्ट्रैटेजी का ही इनका हिस्सा था, मतलब कि जो फर्जी यहाँ पे सेल होती थी। क्लियर है? सो कैसे? सो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, इन्होंने यहाँ पे एक रूल बनाया था कि जो लेडीज हैं उनकी जो जमीन होगी वो एनेक्स नहीं करेंगे, मतलब कि वो हड़पेंगे नहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं। सो ऐसे में क्या करते थे, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप इनके द्वारा लिया जाता था कि जो जमींदार थे जितनी भी लाइक उनकी मदर, ठीक है, जैसे कि उनकी माँ होगी या उनकी पत्नी होगी, वो उनके नाम पे यहाँ पे जमीन थी वो कर देते थे। ऐसे में इनकी जो जमीन थी वो तो यहाँ पे बच जाती थी। ठीक है, सो ऐसे में जमींदार ऐसे अब यहाँ पे करने लग गए थे। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कंपनी ने तो ये ऑर्डर दे रखा था कि जो प्रॉपर्टी होगी वुमेन की उसको यहाँ पे वो जब्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कानून था कंपनी का। दूसरा इनके द्वारा जो स्टेप यहाँ पे लिया गया था वो क्या था, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे स्टेप था जो यानी कि एजेंट होते थे उनकी, यानी कि जो नीलामी होती थी, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सा उनके द्वारा ये यूज किया जाता था। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे, जो एजेंट थे जमींदार के ही वो कैसे यहाँ पे यूज करते थे वो देखते हैं। जब भी यहाँ पे जो संपत्ति होती थी उसको अगर नीलाम किया जा रहा है, ठीक है, जो भी जमींदार की संपत्ति होती थी, यहाँ पे कौन लोग आते थे खरीदने के लिए, जो जमींदार के लोग होते थे, ठीक है, जो भी इसके आदमी होते थे वो यहाँ पे पहुंच जाते थे प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। क्लियर है? तो वो क्या करते थे यहाँ पे, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया, अब बारी आती थी, जैसे यहाँ पे ऑक्शन चल रही है, ठीक है, नीलामी चल रही है, सो इन्होंने यहाँ पे एक बंदे ने खरीद लिया, वो बंदा कौन है, वो जमींदार का ही आदमी है, सो वो सारे चले गए। जब यहाँ पे पैसे देने की बारी आती थी तो वो मना कर देता था। ठीक है, सो ऐसे में मना कर देता था, फिर से ये जो नीलामी होती थी फिर से होती थी, फिर से जो इसका कोई दूसरा बंदा है वो आ जाता था नीलामी में, उसके द्वारा ये फिर से किया जाता था, वो फिर से ये नीलामी को जीत लेता था हाई यहाँ पे बोली लगा के, सो उसको यहाँ पे जमीन मिल जाती थी। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी वो फिर से यहाँ पे मुकर जाता था, कहता कि हाँ मैंने ये जमीन नहीं लेनी। ये जो यहाँ पे स्टेप है ये बार बार यहाँ पे बहुत टाइम यहाँ पे रिपीट होता था। जो लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे जो यहाँ पे बोली लगाते थे वो भी यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे थक चुके थे बार बार जो बोली लगा के। क्लियर है? बाद में यहाँ पे क्या करते थे, वो जो भी संपत्ति होती थी वापस वो जमींदार को ही कम कॉस्ट के ऊपर वो दे देते थे। ऐसे में जो जमींदार थे उनकी जो संपत्ति थी वो यहाँ पे बची रहती थी। ठीक है, इनको भी यहाँ पे बहुत हथकंडे यहाँ पे अपनाने पड़ते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं ये देखते हैं। जो थर्ड मूव इनके द्वारा अपनाया गया वो क्या था यहाँ पे, कि जो लोग थे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नीलामी चल रही है, सो जो बाहर के लोग थे, ठीक है, वो यहाँ पे आते थे, सो जैसे कि उनके द्वारा ये जो संपत्ति थी जमींदार की वो इनके द्वारा यहाँ पे खरीद ली गई, लेकिन जो कब्जा होता था वो उनको यहाँ पे नहीं दिया जाता था।
ठीक है। सो ऐसे में जो यहाँ पे जमींदार के जो भी यहाँ पे लोग थे, ठीक है, लठियाल जिनको यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, वो लाठियाँ वगैरह लेके उनको वो मारने के लिए चल पड़ते थे। सो ऐसे में जो जिसने यहाँ पे जमीन खरीदी है वो क्या करता था, उसी को वहीं पे छोड़ के वो चला जाता था। सो ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारे हथकंडे इनके द्वारा यहाँ पे अपनाए गए थे। सो जो यहाँ पे जमींदार की जमीन थी वो उन्हीं के पास रहती थी, वो किसी और के पास यहाँ पे नहीं जाती थी। और यहाँ पे सम टाइम्स यानी कि कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि जो यहाँ पे किसान होते थे वही जो आउटसाइडर यहाँ पे एंट्री करते थे नीलामी में, उनको यहाँ पे इनके द्वारा रोक लिया जाता था। क्लियर है? क्योंकि जो यहाँ पे किसान होते थे, ठीक है, जैसे जमींदार जो इनके पास जमीन होती थी वो इनको हायर करते थे, ठीक है। सो किसानों के प्रति ये अपनी वफादारी यहाँ पे शो करते थे और वो बाउंड होते थे यहाँ पे इन जमींदार्स के दायरे में, मतलब कि इनके द्वारा ही जो काम इनको दिया जाता था वही वो करते थे और अपनी वफादारी को यहाँ पे शो करते थे, ठीक है। सो ऐसे में ये भी क्या करते थे, उनको यहाँ पे भगा देते थे जो भी यहाँ पे आउटसाइडर नीलामी में आते थे। क्लियर है? सो 19th सेंचुरी में यहाँ पे क्या हुआ, जो मंदी थी, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। सो यहाँ पे जो जमींदार ने यहाँ पे सरवाइव कर लिया, क्लियर है, 1790 के दशक से जिन्होंने यहाँ पे सरवाइव कर लिया वो तो यहाँ पे शक्तिशाली बन गए। जो लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए उन्होंने अपनी जो जमीन वगैरह थी वो तो सभी यहाँ पे नीलाम हो चुकी थी उनकी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जमींदार थे जिन्होंने यहाँ पे सरवाइव किया और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बन गए थे। और यहाँ पे बाद में क्या हुआ, जो रूल्स थे, ठीक है, टैक्स यहाँ पे कलेक्शन के, वो भी थोड़े से यहाँ पे लचीले हो चुके थे, फ्लेक्सिबल उनको यहाँ पे कर दिया गया था। लेकिन 1930s का जो दशक था उसमें भी बहुत बड़ी यहाँ पे जो मंदी आई थी जिसके कारण यहाँ पे जो जमींदार था वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, ठीक है। यानी कि ज्यादातर जो जमींदार थे वो बिल्कुल यहाँ पे कोलैप्स हो चुके थे, फाइनली वो खत्म हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जो उदय होता है वो होता है जोधर्स का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं 1930 के दशक के बाद से। क्लियर है? सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फर्स्ट पार्ट का, यहाँ पे वो कर लेते हैं हम, द फिफ्थ रिपोर्ट, ठीक है। क्या थी ये फिफ्थ रिपोर्ट, इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो रिपोर्ट यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सबमिट की गई थी, ठीक है, वो है यहाँ पे फिफ्थ रिपोर्ट। सो जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसका ये फिफ्थ एडिशन था या फिफ्थ सीरीज थी, ठीक है। सो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडिया में यहाँ पे रूल कर रही थी उसका जो प्रशासन था उसके द्वारा जो भी काम किए गए थे वो थी ये जो फिफ्थ रिपोर्ट थी जो सबमिट की गई थी। इसमें टोटल 1002 पेजेस थे जिसमें जो 800 से जो ज़्यादा पेजेस थे उसमें तो जमींदार और जो रेयर से इनकी अर्जियां होती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स थी कलेक्टर की, रिवेन्यू, जो भी टैक्स सिस्टम था, ठीक है, रिपोर्ट थी वो सभी इस फिफ्थ रिपोर्ट में था। क्लियर है? सो यहाँ पे देखेंगे कि क्या था एक्चुअल में। सो मिड 1760 में जो कंपनी थी उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सबसे पहले वो बंगाल पे आए थे, वहाँ पे हमला किया था और उसको इंडिया में जो बंगाल है उसको अपने अंडर किया था। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनके द्वारा एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती थी उसके ऊपर यहाँ पे बहुत कड़ी नज़र यहाँ पे रखी जा रही थी और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती थी इंग्लैंड में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये जो ठेका था इनको दिया हुआ था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे कि ये इंडिया में जाके यहाँ पे रूल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था, जो भी ये रूल करते थे यहाँ पे जो प्रॉफिट होता था कुछ ये अपने पास रखते थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट था वो इनको ब्रिटिशर्स को यहाँ पे देना होता था इंग्लैंड में, ठीक है। सो ऐसे में ये इनसे बातचीत हुई थी, बट ये क्या कर रहे थे, ये तो उनको बहुत ही कम देते थे और ज़्यादा जो प्रॉफिट था वो अपने पास ही रख लेते थे। और ऐसे में जो ब्रिटिश होते थे वो क्या करते थे, जो यहाँ पे अधिकारी वो भेजते थे, ठीक है, वो जो गवर्नर होते थे उनको यहाँ पे जो भेजा जाता था वो इंडिया में अलग अलग यहाँ पे चेंज करके भेजते रहते थे। लेकिन जो गवर्नर होता था कुछ टाइम में वो इंडिया को जान लेता था और ऐसे में
जो वो भी वही काम करता था जो पहले वाले अधिकारी करते थे, यानी कि ब्रिटिश को यहाँ पे बहुत कम पैसा भेजते थे, वो ज़्यादा अपने पास रख लेते थे। जब ये ब्रिटिश में वापस आते थे तो वहाँ पे ये एक अमीर, यहाँ पे जाते तो वो गरीब थे लेकिन वहाँ से वो अमीर बन के आते थे। सो ऐसे में ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पे जो भी हम आदमी भेजते हैं वो, उनकी कंडीशन तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जब वो वहाँ से आते तो यहाँ से पूरे राजाओं की तरह यहाँ पे रहते। सो इनको भी यहाँ पे ऐसा लगता था। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं कि क्या था। सो बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स थे ब्रिटेन में जो यहाँ पे विरोध करते थे कि यहाँ पे जो सब कुछ ये अधिकार वगैरह ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जितना भी ट्रेड व्यापार वगैरह का अधिकार था वो सभी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। बहुत सारे ग्रुप इनका विरोध करते थे ब्रिटेन में। सो बहुत सारे यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, ठीक है, ब्रिटेन में, वो चाहते थे कि वो भी इंडिया में यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे और चाइना के साथ भी व्यापार करना चाहते थे। सो उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, वो ब्रिटिशर मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी यहाँ पे खोली जाए और वो भी यहाँ पे व्यापार कर सकें। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यहाँ पे नहीं देना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन्होंने यहाँ पे ये आर्गू किया कि यहाँ पे जो बंगाल के ऊपर यहाँ पे जीत हुई है उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रिटिश है उसको तो यहाँ पे वो कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं हो रहा, जैसा कि इनको यहाँ पे भेजा गया था। सो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, ठीक है, कि क्या वहाँ का जो रूल था वो बिल्कुल ही बेकार था, जो भी वहाँ का प्रशासन था वो बिल्कुल ही करप्ट हो चुका था। ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि प्रशासन करना, लेकिन यहाँ पे माल एडमिनिस्टर मतलब कि जो वो प्रशासन यहाँ पे करते थे वो बिल्कुल ही यहाँ पे बेकार प्रशासन करते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो करप्ट हो चुके थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे बताई थी ब्रिटिशर के द्वारा जो भी अधिकारी यहाँ पे भेजे जाते हैं। सो ऐसे में इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा इनकी उछाली गई, ठीक है, जो न्यूज़पेपर हैं ब्रिटेन के वहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जाते हैं उनके द्वारा ऐसा ऐसा वहाँ पे किया जाता है, ठीक है, करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे। सो यहाँ पे बहुत ये मुद्दा यहाँ पे उछाला गया ब्रिटेन में। सो यहाँ पे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वहाँ पे कानून को पास किया गया लेट 18th सेंचुरी में, कि कैसे यहाँ पे इनको चलाया जाए, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इनके ऊपर यहाँ पे नियंत्रण रखा जाए। ठीक है, सो ऐसे में बहुत सारे जो कानून हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए और इनको यहाँ पे फोर्स करा गया कंपनी को कि यहाँ पे जो रेगुलर रिपोर्ट होगी कैसे वो इंडिया में प्रशासन करते हैं वो बनानी पड़ेगी और वो यहाँ पे ब्रिटेन में भेजनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक कमेटी यहाँ पे सेटअप की गई, एक कमेटी यहाँ पे अपॉइंट की गई जो भी यहाँ पे पूरी इंक्वायरी करेगी, ठीक है, इस कंपनी की जो भी इन्होंने यहाँ पे काम किए थे। सो वो सभी जो काम इनके द्वारा किए गए थे वो यहाँ पे 5th रिपोर्ट में यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस किए गए, जो भी यहाँ पे कमेटी इनके द्वारा सिलेक्ट की गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी सबूत वगैरह थे वो सभी 5th जो रिपोर्ट थी उसमें यहाँ पे इनके द्वारा डाले गए थे। क्लियर है? सो ये रही यहाँ पे 5th रिपोर्ट जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। सो ये बहुत ही बहुमूल्य है, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या क्या इनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, बहुत यहाँ पे मेहनत लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें। सो एटलीस्ट हम यहाँ पे चेन बना लेते हैं कि आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट, एटलीस्ट यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को आप लोगों ने डेफिनेटली शेयर करना ही करना है। ठीक है, सो एग्जाम्स यहाँ पे नेड़े आ रहे हैं, सो उन लोगों भी यहाँ पे मदद हो सके जो यहाँ पे कोचिंग नहीं ले सकते, सो उनकी भी यहाँ पे मदद होनी चाहिए। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, ठीक है, एटलीस्ट 3 लोगों के साथ तो जरूर शेयर करना ही करना है। यहाँ पे कमेंट करें कैसी वीडियो लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होगी वो आप तक पहुँचते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ फैंटास्टिक डे।